उत्तर प्रदेश की कोसी विधानसभा का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। सत्तारूढ़ी एनडीए और विपक्षी दल इंडिया के लिए कोसी विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह का प्रचार करने सैफई परिवार भी मैदान में कूद पड़ा है। इंडिया गठबंधन में यूपी की तरफ से मजबूत भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव की परीक्षा है, इसलिए कोसी उपचुनाव में यादव कुनवे ने पूरी ताकत झोंक दी है। चाचा शिवपाल समेत अखिलेश यादव ने जनसभा की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धोखा देती है, इसलिए देश परिवर्तन चाहता है। देश परिवर्तन चाहता है और बीजेपी के एक एक फैसले से किसान दुखी है, नाराज है। जो सुविधाएं, जो उम्मीद गरीब को दी, वो उम्मीद तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कहने को भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, ये अनाज नहीं दे रहे, ये गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो सपने न देखें, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी न बने। और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए धोखा नहीं है, उसके आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धोखा दे रही है। आगे काजल ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कोसी में चुनाव तो होगा लेकिन जुमलेबाज नहीं जीतेगा। शाही से तुमने लहू कितना बहाया है, नया नया कानून लाकर कोना कोना जलाया है। तुम याद करो मनमानी से तुमने लहू कितना बहाया है, बुलडोजर चलवा कर घर घर जलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का तुर चीर तुमने निचवाया है। अरे नराधमो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालो कान खोल कर सुन लो, घोसी में कभी की कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बता दें ये सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने सपा के टिकट पर कोसी से चुनाव लड़ा था और इस सीट पर जीत भी दर्ज की थी। सुभाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी कोसी से चुनाव लड़ रहे हैं।